दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल में। दोस्तों ये जो पेपर है हम सॉल्व कर रहे हैं एम्स रायपुर अगस्त 2019 सेट बी। एक पहला वीडियो हमने आधे क्वेश्चन का बना दिया है पार्ट फर्स्ट एम्स रायपुर, और ये जो है दूसरा एम्स रायपुर पार्ट सेकंड चल रहा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिसर्च डिजाइन कॉल्ड दैट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट द रेंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट द कंडीशन और ऑर्डर ऑफ कंडीशन। उस अनुसंधान डिजाइन को क्या कहा जाता है जिसमें प्रतिभागियों की दिशा और दशा का क्रम का आस्मिक आकलन किए बिना स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड लिविंग इन द सेम एरिया हु आर कंसिडर्ड एज ए यूनिट और हैविंग ए पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, एक समूह को क्या कहा जाता है, जिन्हें एक इकाई माना जाता है या जिनमें एक विशेष लक्षण आम होता है। ऑप्शन ए कम्युनिटी, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऑप्शन सी कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन डी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका सही आंसर जो होता है उसको कम्युनिटी बोला जाता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक समूह को कम्युनिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी डर्मिस और ऑप्शन डी हेयर। तो सही आंसर जो है वो है एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंसुरेशन कार्ड। जो मासिक धर्म है वो स्थायी बंद होने को क्या कहा जाता है, मेनोपेज, एमनोरिया, मेनार्की या प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेनोपेज। जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाते हैं उसको हम मेनोपेज कहते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सिंपल रेंडम सैम्पलिंग। सिंपल रेंडम सैम्पलिंग नमूने लेने का क्या तरीका है। ऑप्शन ए कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंप्यूटर टेबल, क्लस्टर सैम्पलिंग या क्वाटा सैम्पलिंग। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है कंप्यूटर टेबल। अगला क्वेश्चन, ऑल द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट ऑन हिज और हर स्टेट ऑफ द हेल्थ। ऑप्शन ए किसी ग्राहक की उसके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सभी नापने योग्य और अवलोकन करने की जानकारी को क्या कहा जाता है, बायोग्राफिक डाटा, प्राइमरी डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा या सब्जेक्टिव डाटा। सही आंसर दोस्तों ऑब्जेक्टिव डाटा। क्योज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में उच्च रक्तचाप के क्या कारण हैं, एरिथमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सही आंसर जो है दोस्तों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंडेड सेबेसियस ग्लैंड विच अपियर एज वाइट डॉट ऑन नोज एंड फेस ऑफ न्यूबॉर्न। विकृत सेबेसियस ग्रंथियां जो नवजात शिशु के नाक और चेहरे पर सफ़ेद डॉट के रूप में दिखाई देती हैं, मंगोलियन स्पॉट, रिदेमा, स्ट्रोक बाइट या मीलिया। तो इसका सही आंसर जो होता है वो है मीलिया। सेबेसियस ग्लैंड का विकृत है ये। साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग ऑब्सेस। मनोवैज्ञानिक भोजन विकार जिसमें मोटापे से ग्रसित होने का एक तीव्र डर सताता रहता है। ऑप्शन ए बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन सी पिका और ऑप्शन डी डाइटिंग। तो सही आंसर जो है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर जो गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना नहीं खाती हैं, ब्लूमिया नर्वोसा में खाना खाने के बाद वॉमिटिंग करती हैं, पिका जो होता है वो डर्टी खाती हैं, धूल या मुल्तानी वगैरह ऐसा, और डाइटिंग जिसके अंदर डाइटिंग पे रहती हैं। तो दोस्तों ये डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है। लीनियर नाइग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन। लाइनियर निग्रा जो है हार्मोन की उत्तेजना के कारण गर्भावस्था में लीनियर निग्रा होता है। ऑप्शन ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो
तो दोस्तों ये जो लीनिया निग्रा होता है ये होता है मिलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स रोगियों की व्यक्तिगत और चिकित्सीय जानकारी निजी रखने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, यूनिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। सही आंसर इसका कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, गोपनीयता होता है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सही आंसर दोस्तों इसका डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए सिस्टम टू क्लासीफाई द इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ द इंजरी एंड दियर लाइकहुड ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ ए डिजास्टर। आपदा के समय चोट की गंभीरता और जीवित रहने की संभावना के आधार पर घायलों को वर्गीकृत करने की क्या प्रणाली है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं ट्राइएज, ट्राइएज के द्वारा हम पेशेंट को डिवाइड करते हैं, ज़्यादा सीरियस, कम सीरियस, ऐसे रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, चार उसमें डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल इन इंडिया, भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है, 14 साल, 16 साल, 18 साल या 20 साल। सही आंसर 18 साल और लड़कों की 21 साल। अगला क्वेश्चन, ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्लेसेंटा सीधे मायोमेट्रियम से जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बेटलडोर, प्लेसेंटा वेलमेंटस, प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एसेरेटा। सही आंसर जो दोस्तों इसका है प्लेसेंटा एसेरेटा होता है। अगला क्वेश्चन, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक और लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, प्रोटीन, सेल, न्यूट्रॉन। सही आंसर सेल। अगला क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीजेज इन केस ऑफ, इस स्थिति में हृदय अधिक कार्य करने लगता है, शॉक, एरिथमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोक्सिया। सही आंसर दोस्तों हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट एंड सोइल्ड वेस्ट इज डिस्पोज, कहाँ किए जाते हैं डिस्पोज, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। दोस्तों सही आंसर है येलो बैग में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ मटेरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के आवश्यक अंग हैं, हेल्थ सर्वे, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, रेफरल सर्विस डिलीवरी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन और मटेरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग। सही आंसर जो दोस्तों है मटेरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एन एडल्ट थ्रो ए टेम्पर टेंट्रम व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ओवन वे इज एन एग्जाम्पल, अपने मनपसंद तरीके से किसी कार्य का न होने के कारण एक वयस्क द्वारा नखरा करना या गुस्सा दिखाना क्या कहलाता है, रिग्रेशन, अंडूइंग, सबलिमेशन या रिप्रेशन। दोस्तों इसका सही आंसर है रिग्रेशन, ऑप्शन ए। पेन स्केल इन क्लिनिकल सेटिंग इन एग्जाम्पल ऑफ, क्लिनिकल परिस्थिति में दर्द पैमाना एक उदाहरण है पेन स्केल, विजुअल एनालॉग, ग्राफिक रेटिंग स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, चेकलिस्ट, क्लिनिकल परिस्थिति में दर्द का पैमाना। सही आंसर है विजुअल एनालॉग, विजुअल एनालॉग से फेस से हम पहचानते हैं कि रेटिंग देते हैं। डिफिकल्टी इन स्वालोविंग, निगलने में परेशानी, रिगर्जिटेशन, डिस्फोरिया, डिस्फेजिया या डिस्पनिया। सही आंसर जो है डिस्फेजिया है, रिगर्जिटेशन, डिस्फोरिया, डिस्फेजिया और डिस्पनिया। तो डिस्फेजिया जो होता है वो निगलने में दिक्कत है, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक आर कंप्लीटली इनइफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध बेअसर हैं, एम्बियसिस, वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स? तो एंटीबायोटिक जो होती हैं वायरस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाती हैं। इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय टू डिटरमाइन दियर इफेक्टिवनेस ऑन दियर प्रेजेंट जॉब एंड डिसाइड दियर बेनिफिट। ये एक तरीका है कर्मचारियों का वर्तमान नौकरी में मूल्यांकन करना और उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने में लाभों का निर्णय करना। काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर ईयर होता है ये, साल में एक बार जरूर करते हैं। इज द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड मल सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। यह एक तरीका है जिसमें ग्रैंड मल के दौर का कृत्रिम प्रेरण किया जाता है मस्तिष्क तक विद्युत प्रभाव के अनुप्रयोग के माध्यम द्वारा। ट्रांजिशियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, रिफ्लेक्सोलॉजी, फोटोथेरेपी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सही आंसर दोस्तों ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल ब्लड सेल, कोशिका रक्त और स्थानीय रक्त कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? सही जो आंसर है इसका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। गैस का बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल ब्लड के अंदर होना इंटरनल होता है। द पावर ऑफ टेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या प्लानिंग? तो सही आंसर दोस्तों इसका है अथॉरिटी, निर्णय लेने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, मोंगोइड फेसेज आर सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मंगोलॉइड, मुखाकृति से पीड़ित बच्चों में देखा जाता है, मंगोलॉइड, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया? दोस्तों बीटा थैलेसीमिया में ये कंडीशन देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट, परसेप्शन, मूड, अफेक्ट। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो परसेप्शन का एक डिसऑर्डर है। अगला, जो सेंस ऑर्गन का होता है उसको सेंस और परसेप्शन के ही होते हैं। ऑर्गेनिज्म क्योजिंग कोलेरा, कोलेरा का जीव जिसमें हैजा होता है, जिसके कारण हैजा होता है, माइकोबैक्टीरियम कोलेरियाई, इकोलाई, वाइब्रो कोलेरा या सालमोलेरा कोलेराई? तो वाइब्रो कोलेरा जो होता है इसका क्यूजेटिव एजेंट होता है। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, श्वास में अनिरंतर सकारात्मक दबाव को इसमें उत्कृष्ट किया गया है, कोमाटोस पेशेंट, पल्मोनरी एडिमा, अस्थमा या ट्रेक्यो इसोफेगल फिस्टूला? इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, सही आंसर दोस्तों ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टूला। वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, DPT, OPV, DOT या BCG? सही आंसर दोस्तों BCG, TB का एंटीडोट या वैक्सीन जो है वो BCG है। हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग निम्न से किस मरीज के इलाज के लिए किया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या नारकोटिक पॉइजनिंग? तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के पेशेंट में किया जाता है। क्लाइंट हु हैव अंडर गोन स्पाइनल सर्जरी आर ट्रेंड इन द बेड यूजिंग, इसका प्रयोग जिन मरीजों की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है उन्हें बिस्तर पर घुमाने के लिए किया जाता है, लोग रोल टर्न, कोन, क्राइसिस, क्रॉस वेस्ट या ट्रांसफर बेल्ट? किसका यूज किया जाता है दोस्तों, लोग रोल टर्न जो होते हैं उसका यूज किया जाता है पेशेंट को घुमाने के लिए। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर बिशुप स्कोर शुड बी, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर के समावेश के लिए बिशुप स्कोर होना चाहिए, 5 से 6, 3 से 4, 4 से 5 या 6 से 6, 6 में से 6 कितना होना चाहिए? सही आंसर है अबाउ 6 to 6, 6 से ऊपर होना चाहिए। इम्यूनिटी गिवन बाय टिटनस टॉक्सॉइड,
टीटनस टॉक्सॉइड के द्वारा दी गई इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी। तो टीटनस टॉक्सॉइड के द्वारा, टीटी के द्वारा दी गई इंजेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी है। इससे पहले इसी के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन आया था, अगर इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं डायरेक्ट तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। सेलेक्टिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट ब्रॉडली कवर ए स्पेसिफिक टॉपिक। साहित्य की चयनात्मक समीक्षा मोटे तौर पर एक विशिष्ट विषय को शामिल करता है। नैरेटिव रिव्यू, मेटा एनालिसिस, सिस्टमिक रिव्यू या मेटा सिंथेसिस। सही आंसर दोस्तों नैरेटिव रिव्यू है। दोस्तों हमारे इस वीडियो का एक पहला पार्ट भी बनाया जा चुका है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो का पहला पार्ट भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच मेंटल विच मेंटल डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाई एक्सट्रीम विड्रोल, फैंटासी, डेल्यूजन, हेलुसन, इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट स्पेशली इन चिल्ड्रन। वह कौन सा मानसिक विकार है जिसमें संबंध विच्छेद, कोरी कल्पना, आभास, मति भ्रम खासकर बच्चों में संवाद करने में असमर्थता होती है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म या म्यूटिज्म। सही आंसर दोस्तों ऑटिज्म है, ऑटिज्म के अंदर ऐसा होता है। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू एक्सपेल द फिटस नॉर्मली ड्यू टू टोटल और पार्शियल अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ केनाल इज कॉल्ड। अबाधित बर्थ केनाल के माध्यम से संकुचन के पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुपस्थित होने के कारण एक भ्रूण को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय की विफलता को क्या कहते हैं? यूटेराइन रिट्रोवर्जन, यूटेराइन प्रोलेप्स, यूटेराइन टिटेनी या यूटेराइन इनर्सिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूटेराइन इनर्सिया। असाइनमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी इज नोन एज। विशिष्ट जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रबंधक की ओर से अधीनस्थ को जिम्मेदारी का स्थानांतरण क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइजेशन, स्टाफिंग, डेलीगेशन या कोऑर्डिनेशन। तो सही आंसर जो दोस्तों इसका है डेलीगेशन। अगला क्वेश्चन, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू ए पेशेंट, मरीज को गलत दवा देना, अजोल्ट, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस उत्पाद या बैटरी। जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों नेग्लिजेंस, पेशेंट को गलत दवा देना नेग्लिजेंस के अंदर आता है। एपिकल पल्स इज फेल्ट एट, एपिकल पल्स को कहाँ महसूस किया जाता है? बिलो जो बोन, एट रिस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट या टॉप ऑफ द फुट। तो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इसका सही उत्तर है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए स्वेलोन एरिया द इंडेंटेशन परसिस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड। जब सूजन वाले हिस्से में दबाव डाला जाता है तो निशान दबाव के निकलने के उपरांत भी बना रहे हुए क्या कहलाता है? ये एडिमा है, रिफ्रैक्टरी एडिमा, विपिंग एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा या पिटिंग एडिमा। तो दोस्तों जो एडिमा बना रहता है, निशान बना रहता है दबाव हटाने के बाद भी, उसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। इन ए बी सी एनालिसिस विच ऑफ द आइटम आर फ्रिक्वेंटली यूज एंड परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ए बी सी विश्लेषण में वह कौन सी वस्तु है जो बड़ी मात्रा में बार बार खरीदी और इस्तेमाल की जाती है? वाइटल आइटम, बी आइटम, सी आइटम या ए आइटम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी आइटम। ए बी सी एनालिसिस है, उसके अंदर सी आइटम सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। अगला क्वेश्चन, आंसर डायरेक्शन, आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट। इन ऑल द वोवल आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट विच लेटर विल बी सेवंथ ऑन द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका आपको तैयारी करनी है रीजनिंग के क्वेश्चन की। ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। वीडियो को प्योज कर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
रीजनिंग मैथ और जीके आता ही है। ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ दीज लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नेता की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था? दोस्तों, ये महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? दोस्तों, उनका आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, अभी लॉन्च हुई है थोड़े दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, वेव इज रिलेटेड टू एयर इन द सेम वे इज रिपल। तरंगे ठीक उसी प्रकार से हवा से संबंधित है जिस तरह लहर संबंधित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा पानी। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट की बसें भी फ्री रहती हैं ज़्यादातर। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, अभी श्री रामनाथ कोविंद ये अभी हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? तो दोस्तों, ये 1526 में लड़ी गई थी। तो कुछ जीके कंप्यूटर रीजनिंग के ये मिक्स क्वेश्चन हैं, आपको ये देखने हैं, और नर्सिंग के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, आपको हमारे अगर इस वीडियो का पहला पार्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर आपको इसका पहला पार्ट भी मिलेगा। ये हम एम्स रायपुर अगस्त 2019 का पूरा पेपर अपलोड कर रहे हैं। ये पारी में एग्ज़ाम हुई थी, तो ये सेकंड पारी का एग्ज़ाम है। तो कंप्यूटर से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल पर वैकेंसी भी अपडेट होती रहती हैं, सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।